हेलो बेटा, हाउ आर यू? आई होप यू आर टू गुड। वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। आप कौन सी कक्षा में हो बेटा? केजी कक्षा में। और आज का हमारा विषय क्या है? हिंदी। ओके, आज हमारा टॉपिक है चार वर्णों का जोड़। क्या है? चार वर्णों का जोड़। इससे पहले आपने दो वर्णों का जोड़ किया, ठीक है? कैसे? जैसे कि क प्लस म, तो क्या बन गया था? कम। ये तो दो अक्षर का था। उसके बाद आपने तीन अक्षर का किया, क प्लस म प्लस ल। क्या बन गया था ये? कमल। देखो, आपने सबसे पहले क्या सीखा? दो अक्षर का, दो वर्णों का जोड़, एक दो, ठीक है? दो अक्षर का जोड़ सीखा। फिर आपने उससे क्या बनाया? शब्द बनाया। तो उसके बाद आपने क्या किया? दो अक्षर के शब्द। फिर आपने तीन अक्षर का जोड़ किया, एक दो तीन, तीन अक्षर है, तीन वर्णों का जोड़ किया। फिर आपने तीन अक्षर के शब्द किए। आज हमारा पहले हम आपको चार अक्षर के जोड़ सिखाएंगे, फिर उसके बाद हम आपको चार अक्षर के शब्द सिखाएंगे। लेकिन फर्स्ट हम क्या करेंगे? चार वर्णों का जोड़ या चार अक्षर का जोड़। देखो हमें कैसे करना है। हम चार अक्षर लेंगे पहले तो, ठीक है? और उसमें क्या लगाएंगे? प्लस का साइन, बिकॉज क्या है? जोड़ है, तो हमें प्लस करना है। तो देखो हम फर्स्ट लिखते हैं, हमने लिखा अ प्लस ज। फॉर्मेशन से लिखना, ओके? आप ही प्लस ग प्लस र। काउंट करो कितने अक्षर हो गए, कितने वर्ण हो गए इसमें? फोर, वन टू थ्री फोर, एक दो तीन चार, ठीक है? चार वर्ण हो गए। अब इनको हम जोड़ेंगे। हमने बीच में प्लस का साइन लगाया। जोड़ने के लिए कैसे लिखेंगे? पहले रे लिख देंगे या गे लिख जाए, कुछ भी लिख देंगे? नहीं, इसकी भी ट्रिक होती है। क्या? कि हमें जो फर्स्ट है पहले वो लिखना है, उसके बाद फिर सेकेंड लिखना है। सबसे पहले क्या है? अ। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? अ। और के बाद क्या है? ज। प्लस का साइन हटा देंगे, लिखेंगे हम ज। फिर प्लस का साइन हटा के क्या है? ग। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? ग। एंड प्लस का साइन के बाद र है, फिर क्या लिखेंगे लास्ट में? र। और सबसे पहले था र, सबसे बाद में था, वैसे ही लिखा अकॉर्डिंग टू अक्षर हम चले, ठीक है? तो ये क्या बन गया, इसको रीड करो। अजगर, अजगर। क्या बन गया? अजगर, अजगर, ठीक है? उसके बाद आता है अ प्लस द प्लस र प्लस क। आप देखो इसे जोड़ के देखते हैं क्या बन गया ये। अ द र और लास्ट में क, क्या बन गया ये? अदरक, 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 अदरक। नेक्स्ट है क प्लस स प्लस र प्लस त, क्या बन गया ये? क स र त। पहले इसको लिख रहे हैं हम, पहले क लिखेंगे, फिर स र एंड त। क्या बन गया ये? क स र त, कसरत, ठीक है? कसरत करनी अच्छी बात होती है ना, डेली सुबह उठ के किया करो, क्या होते हैं? हमारी बॉडी ठीक रहती है, बिल्कुल फिट एंड फाइन रहती है, ओके? क स र त, कसरत। उसके बाद देखो स प्लस र प्लस क प्लस स, क्या बन गया ये? जोड़ के देखें, पहले लिखते हैं हम स फिर र फिर क और लास्ट में क्या है? स।
सरकस, सर्कस। सर्कस देखिए ना आपने, कौन होता है सर्कस में? जोकर कहाँ होता है? सर्कस में होता है, और वो कितना हंसाता है सबको। तो सरकस सर्कस, इसमें भी कितने अक्षर आते हैं? 4 वर्ड आते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो लास्ट, द प्लस श प्लस र प्लस थ। देखो ये क्या बन गया, हम इसको पहले लिखते हैं, पहले लिखेंगे द, फिर हमने लिखा श र थ। इसकी शिरोरेखा देखो कैसे आएगी, द के ऊपर आएगी, फिर ये खड़ी पाई से आएगी, और फिर यहाँ आएगी, थ के ऊपर नहीं आएगी। ओके, दशरथ, दशरथ। आपको पता है दशरथ कौन थे? दशरथ भगवान श्री राम के पिताजी का नाम था। आपके पापा का भी नाम है, ऐसे ही श्री राम जी जो हमारे प्रभु हैं, उनके भी पापा का क्या नाम था, पिताजी का क्या नाम था? दशरथ, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन भी लर्न हो गया कि श्री राम जी के पापा का या पिताजी का क्या नाम था? दशरथ। ओके, तो आज आपको 4 अक्षर के शब्द लिखने हैं, ठीक है, जोर से उनको फिर जोड़ कर लिखना है, और उसकी रीडिंग करके अपनी मैम को वीडियो सेंड करनी है। ओके, और रीडिंग अच्छे से करना। देखो एक बार, अजगर अजगर, अदरक अदेरक, कसरत कसरत, सरकस सरकस, दशरथ दशरथ। और जैसे कि शबनम शबनम, शरबत शरबत, तरकस तरकस। आपकी बुक में बहुत सारे होंगे, ठीक है, जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक में से देख कर भी कर सकते हैं, अदरवाइज ये 5-6 आपको लिख के अच्छे से लर्न करने हैं, रीडिंग करनी है इनकी। ओके, और अच्छे से वर्क करके मैम को सेंड करना है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।